इस तस्वीर में दिखने वाले शख्स को आज पूरा देश जानता है। ये वही इंसान है जिसकी वजह से आज पूरा देश गुस्से में है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर हैं, जिसको सजा दिलाने के लिए सड़कों पर लोग नारे लगा रहे हैं। हर कोई बस यही चाहता है कि कोलकाता की आरजीगर अस्पताल में 9 अगस्त की रात जिस डॉक्टर बेटी के साथ इस हैवान ने रेप के बाद उसकी हत्या करी, उसे इंसाफ मिले और इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिले। संजय ये नाम है इस दरिंदे का, जिसने अस्पताल में उस रात महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया। आरोपी संजय रॉय के प्रति पूरे देश में गुस्सा है। वैसे तो संजय का कल पॉलीग्राफी टेस्ट होना भी था, मगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से हो नहीं सका, इसलिए आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। वैसे आपको बता दूं कि जेल के अंदर ही संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया। वैसे कल यानी शनिवार 24 अगस्त को इस केस में 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा कर लिया गया, जिसमें सबसे बड़ा किरदार इसी अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टरों और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया, लेकिन अब सीबीआई के पास संजय रॉय के लिए भी सवालों की फहरिस्त तैयार है। इन 6 लोगों से जो कुछ भी जवाब मिले हैं, उनके आधार पर ही संजय रॉय से सवाल होंगे और तब हो सकता है कि सीबीआई सच के करीब पहुंच जाए। वैसे इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संजय के वकील कह रही हैं कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए इसी वजह से तैयार हुआ क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। जिन किरदारों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, वो भी काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि इनका पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों किया गया। तो आपको बता दूं कि प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट इसीलिए किया गया क्योंकि वो शुरू से शक के घेरे में हैं। उनका टेस्ट इसीलिए किया क्योंकि वो अस्पताल के मुखिया थे, उनके बर्ताव और फैसले शक के घेरे में हैं। हालांकि एक्स प्रिंसिपल से 3 सवालों के जवाब अहम साबित हो सकते हैं, जो कि इस केस का पूरा रुख बदल देंगे। वो ये कि कब कैसे उनको वारदात का पता चला, रिपोर्ट दर्ज कराने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई, सबूतों की हिफाजत क्यों नहीं की गई, और बाकी के 4 जो डॉक्टर हैं उनका इस वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है क्योंकि वो उस रात मौके पर थे, यानी वारदात वाली रात ये आखिरी लोग थे जिन्होंने डॉक्टर बिटिया को देखा था। वो बड़ा सच और असलियत बता सकते हैं। ये मामला इतना पेचीदा है कि कुछ लोगों को लगता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से भी आगे जाकर जाँच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई इसमें पूरे दमखम से हर एंगल से जाँच कर रही है ताकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।